एसटीईटी पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज एक बार फिर से यहाँ पर जो धरना स्थल है, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है उसके बाद से ये गर्दनी बाग जो धरना स्थल के रूप में चिन्हित है वहाँ पर, और देखिए छात्रों को किस तरीके से कैसे बेतरह पिटाई की गई है। आप एक दृश्य देख रहे हैं, पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह एक छात्र को पीट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई छात्रों की पिटाई हुई है। जो छात्र हैं जिस तरीके से, जिन छात्रों को आप देखिए, इस देखिए सबको, इनका हाथ टूट गया है, क्या हुआ? हाँ गया है सर, ये पूरा जख्मी है सर, हम आंदोलन कर रहे हैं सर, भावी शिक्षक है सर, विगत 3 वर्षों से वेट कर रहे हैं कि हम लोग का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा 7वीं चरण का, तो हम लोग शिक्षक बनेंगे सर, शिक्षक बनने आए हैं। आप लोग का नाकामी है कि हम लोग रोड पे है, नहीं तो आप लोग सही ढंग से काम करते, हम लोग स्कूल में कार्यरत होते और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करते। आप लोग सिर्फ भाषण देते हैं, हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, केजरीवाल मॉडल करेंगे। बिना शिक्षक के आप केजरीवाल मॉडल कहाँ से लाइएगा सर? इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना। शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने से पहले आपको ये बात समझ में आना चाहिए। हम लोग शिक्षा मंत्री के चैम्बर में गए थे मिलने के लिए, फर्स्ट दिन जिस दिन कार्यभार संभाल रहे थे, दूसरे दिन बोलते हैं कि आज कोई काम का बात मत कीजिए, फोटो खिंचाइए और चले जाइए। ऐसा होता है क्या सर? हम लोग इतना दूर से और 300 जिला से आए हैं, फोटो खिंचाने नहीं आए सर। हमारी मांग है प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कीजिए, अभिलंब जारी कीजिए। अगर आपसे नहीं संभलता है शिक्षा मंत्री का, हम लोग को दीजिए, देखिए कैसे काम किया जाता है। अपर मुख्य सचिव ने हम लोगों को 31 तारीख का डेड लाइन दिया था, वो क्रॉस क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर दो 7वें चरण के। जी पटना के एडीएम जो के सिंह है, जिस तरह से उन्होंने बर्बरता अपनाई है शिक्षा अभ्यर्थियों पे, और वह एक अधिकारी है, एडीएम पे देशद्रोह का मामला बनता है, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उनको अभिलंब जेल में डाला जाए, और उनको कानून की समझ नहीं है। जिस किसी को भी मारा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, कमर के नीचे से मारा जाता है, उनका साथ भी उन्होंने मीडिया कर्मी के साथ भी बर्बरता किया है, उनसे भी हाथापाई हुई है। एडीएम के सिंह पर कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करके 24 घंटा उन्हें जेल डाले, नहीं तो सरकार की नीति से कमजोर हो गया, दिवालिया हो गया है वो, उसको समझ नहीं है कानून का कि किस तरीके से बच्चों पे डंडा शहीद हो जाते हैं। जिस तिरंगे के दिखाकर यूक्रेन से भारतवासी सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं, उसी तिरंगे पर डंडे बरसाए, कल तिरंगे का अपमान किया है, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तिरंगा लेके नहीं जाएंगे हम लोग आंदोलन करने, तो पाकिस्तान का झंडा लेके चलेंगे। झंडे का अपमान है, देश का स्वाभिमान है, उनकी आन बान शान के लिए देश आर्मी लोग जान दे देते हैं। अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो हम लोग 10,000 संख्या में उतरे थे, अब पूरा बिहार से और 300 जिला से लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी उतरेंगे और पूरा पटना आंदोलन उग्र ना हो जाए, इसके लिए सरकार को 24 घंटे के अंदर पटना के एडीएम के सिंह को जेल में डाला जाए। अगर नहीं डालती है तो हम शिक्षक अभ्यर्थी उग्र आंदोलन से मांग है कि वो 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो है ना, हम लोग को 5 सितंबर तक जारी करना होगा। इस तरह से तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आंदोलन और उग्र होने की तरफ। हालांकि छात्र कम ही है, ज्यादातर चोटिल हैं, घायल हैं, पीएमसीएच जो मैंने देखा पैर टूट गया है, हालत बहुत ही गंभीर है जो पीएमसीएच में है। अगर सरकार में भर्ती मिला है सरकार को 5 सितंबर पीएमसीएच में दो लोगों का हालचाल जाने। जो मैं गया था पीएमसीएच, एक का पैर टूटा हुआ है, रामजीवन कुमार नाम के हैं जिनका पैर टूटा हुआ है, और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हालांकि आज इनकी संख्या कम है, कल हजारों की संख्या में ये डाकबंगला चौराहे है, लेकिन जिस बेतरह इनकी पिटाई हुई है, आप देखिए किस तरीके से छात्र घायल हैं। हर छात्र पुलिस की बर्बरता की अपने आप में एक कहानी है। पहले वाटर कैनन छोड़ा गया और उसके पहले कई बार कई झड़प हुई और सैकड़ों की संख्या में घायल हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है पीठ पर। पुलिस की बर्बरता और सरकार ने क्या इनके साथ सलूक किया है, उसकी निशानी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आज ये फिर से शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि पटना के एक डाकबंगला चौराहे पर भी शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक छात्र जो तिरंगे को लेकर के सड़क पर बैठ करके, और वो भी नारेबाजी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने उस लड़के के साथ, उस शिक्षक अभ्यर्थी के साथ सुलूक हुआ है, उस सुलूक के खिलाफ भी, और अपनी मांग यानी कि इनका नोटिफिकेशन जारी हो, 7वें चरण की बहाली शुरू हो, के सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजा जाए, तमाम तरह की मांगे हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि जो सरकार 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का दावा करती है, क्या उस सरकार के पास इन छात्रों का, इन शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द पहुँचेगा?
कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।